दिल्ली शहर में रमेश और टीना दोनों भाई बहन थे और उनके माता पिता एक बाढ़ के कहर का शिकार हो गए थे। उनके पास ऐसा कोई नहीं था जो उनका ख्याल रख सके। एक दिन वो दोनों खाने की तलाश में एक गली से दूसरी गली भटकते रहते थे। रमेश अपनी बहन टीना से बोलता है, दीदी मुझे बहुत भूख लगी है, आज सुबह से कुछ खाने को नहीं मिला है, मुझसे और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। रमेश बस थोड़ा और इंतजार कर, हमें कुछ खाने को मिल ही जाएगा, तू चिंता मत कर, चल हम दूसरी गली में चलकर देखते हैं। दूसरी गली के बाहर एक गेट लगा हुआ था, उसके पास ही एक चौकीदार बैठा हुआ था। रमेश और टीना गली के अंदर जा ही रहे थे तभी उन दोनों को वहाँ बैठा चौकीदार रोकता है। अरे अरे कहाँ जा रहे हो, हैं? चलो निकलो यहाँ से, चलो। अंकल हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, हमें अंदर जाने दो, क्या पता कोई हमें खाना दे दे। अरे यहाँ भीख मांगना मना है, चलो चलो जाओ यहाँ से। दोनों बच्चे उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो दोनों बच्चे चलते चलते एक घर के बाहर पहुँचते हैं। वहाँ एक महिला थी। माताजी कुछ खाने के लिए दे दो ना, बहुत भूख लगी है, मेरे भाई ने कल से कुछ नहीं खाया है। चलो चलो भागो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, इनका तो काम ही यही है। वो औरत भी उन दोनों को कुछ नहीं देती और अपने घर से भगा देती है। रमेश भूख से बेहाल हो रहा था, सुबह से चल चल कर थक गया था। चलते चलते वो दोनों एक बड़े से घर के सामने आकर रुक जाते हैं और आवाज लगाते हैं। सुनिए कोई हमें खाना खिला दो, सुनिए घर में कोई है क्या, क्या कोई हमें खाना दे सकता है, हमने कल से कुछ नहीं खाया है। तभी उनकी आवाज सुनकर एक लड़की घर से बाहर आती है। अरे कौन हो तुम और ऐसे भीख क्यों मांग रहे हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? उस लड़की की बात सुनकर दोनों बच्चे उदास हो जाते हैं। हमारे माता पिता नहीं रहे, हम दोनों अकेले हैं, इसलिए हम भीख मांग रहे हैं। क्या हुआ आपके माता पिता को? हमारे गांव में दो दिनों से बहुत तेज बारिश हो रही थी और पास ही बने बांध में पानी का स्तर भी बहुत बढ़ गया था, इसी कारण मेरे पिता ने मेरी माता से कहा था। सरला हमें जल्दी ही इस गांव से निकलना होगा, पानी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैंने सारा सामान बांध लिया है, हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए। टीना बेटा तुम अपने पिताजी के पास जाओ, रमेश को मैं उठा लूँगी। सभी गांव वाले अपने अपने घर छोड़कर जाने लगे थे, पानी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। मोहन और सरला अपने बच्चों को लिए आगे बढ़ रहे थे तभी उनके पास एक बोट आती है। देखिए अभी बोट में बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, आप दूसरी बोट का इंतजार करिए, ठीक है? पानी का स्तर बहुत बढ़ गया है साहब, आप हमारे बच्चों को ही बस बैठा लीजिए। वो सिर्फ हम दोनों को ही बोट में बिठा लेते हैं, हमारे माता पिता वहीं रह जाते हैं और हमारी बोट जैसे ही आगे बढ़ती है दूसरी ओर गांव में बना हुआ बांध टूट जाता है और पानी का सैलाब सबको अपने साथ बहा कर ले जाता है। उसी बाढ़ में हमारे माता पिता भी बह गए थे, अभी हमारे पास ना तो घर है और ना ही खाने के लिए खाना। अच्छा तुम दोनों यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। ये कहकर वो लड़की घर की ओर खाना लेने चली जाती है। रमेश और टीना वहीं घर के बाहर बैठकर उस लड़की के आने का इंतजार करते हैं और तभी उस घर में एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी में से एक महिला बाहर निकलती है और जैसे ही वो रमेश और टीना को देखती है वो गुस्से में तुरंत ही चिल्लाते हुए बोलती है, कौन हो तुम और यहाँ मेरे घर के आगे क्यों बैठे हो, निकलो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। वो महिला बहुत ही अमीर और घमंडी थी। जी हमें भूख लगी है, वो दीदी हमारे लिए खाना लेने के लिए अंदर गई है, ये काव्या भी पता नहीं किस किस को बिठा लेती है, तुम दोनों उठो और भागो यहाँ से जल्दी से। वो औरत रमेश और टीना की कोई बात नहीं सुनती और उन्हें वहाँ से भगा देती है। तभी वो लड़की काव्या खाना लेकर घर से बाहर आती है और वो देखती है कि वो दोनों बच्चे तो वहाँ है ही नहीं। अरे वो दोनों बच्चे कहाँ चले गए? तो फिर वो अपनी माँ को देखती है। काव्या अपनी माँ से पूछती है, माँ भी इधर दो बच्चे थे वो दोनों कहाँ गए, क्या आपने उनको देखा है? बेचारे दो दिन से भूखे थे, उनको बहुत भूख लगी थी, मैंने तो उन्हें यहीं बैठने को कहा था, पता नहीं कहाँ चले गए। मैंने उन दोनों को यहाँ से भगा दिया। तो ऐसे किसी की भी बातों में मत आया कर, तुम्हें ये कितनी बार समझाया है ये सिर्फ गरीब दिखते हैं लेकिन ये बहुत चालाक होते हैं, मौका मिलते ही चोरी करके रफू चक्कर हो जाते हैं। माँ वो दोनों बहुत अच्छे थे, उन बच्चों के माता पिता बाढ़ में बह गए थे, अब उनका कोई नहीं है इसीलिए वो भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहे हैं,
काव्या की माँ उसकी बात नहीं सुनती और वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। काव्या भी अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन अभी भी काव्या उन बच्चों के बारे में सोचती रहती है। पता नहीं उन बच्चों को कहीं खाना मिला होगा भी या नहीं। और काव्या भगवान गणेश जी से प्रार्थना करती है, हे गणेश जी, जैसे आप मेरा साथ देते हो वैसे ही उन बच्चों पर भी अपनी कृपा करना। और दूसरी तरफ रमेश और टीना खाने के लिए दर दर भटक रहे थे। दीदी मैं बहुत थक गया हूँ, चलो ना कहीं हम बैठ जाते हैं। ठीक है रमेश, अगर कोई पेड़ दिखेगा तो हम इस पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर आराम कर लेंगे। ये कहकर वो थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं, तभी उन्हें एक पेड़ दिख जाता है और वो दोनों उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। दीदी हमें कोई भी खाना नहीं देगा तो हम ऐसे ही भूखे मर जाएंगे। रमेश तू यहीं आराम कर, मैं उस मंदिर के पास जाकर देखती हूँ। ये कहकर टीना मंदिर की तरफ जाती है, तभी उसे रास्ते में एक औरत मिलती है। वो एक फूल वाली थी, उसके ठेले का पहिया एक गड्ढे में फंस गया था। टीना उसके पास जाती है। क्या मैं आपकी मदद करूं? हाँ बेटा, मेरे ठेले का पहिया इस गड्ढे में फंस गया है, तुम मेरे साथ इसको धक्का लगवा दो। टीना उस औरत के साथ ठेले पर धक्का लगवाती है और ठेला गड्ढे से बाहर आ जाता है। धन्यवाद बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम टीना है आंटी, क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है? मेरा भाई बहुत भूखा है। बेटा अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, क्या तुम यहाँ अकेले हो? हाँ, हम दोनों भाई बहन ही एक दूसरे का सहारा हैं। ये बात सुनकर उसको उन पर दया आ जाती है। मेरा नाम सुधा है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें वहाँ कुछ खाने को दे दूंगी, मेरा घर यही पास में है। तीनों और रमेश सुधा के साथ चल देते हैं। वहाँ पहुंचकर सुधा उन दोनों को खाना देती है। दोनों बच्चे खाना खाने लगते हैं। उनको खाना खाते देखकर लग रहा था कि वो दोनों कई दिनों से भूखे हैं और उन्होंने कुछ नहीं खाया। दोनों की हालत देखकर सुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। धन्यवाद आंटी जी। धन्यवाद बेटा मेरा नहीं, गणेश जी का करो, क्योंकि उनकी ही कृपा से हम मिल पाए हैं। मैं भी अकेली हूँ इस दुनिया में, पर अब हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। तीनों और रमेश ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। उसी दिन से वो तीनों साथ में रहते हैं और तीनों ही फूल बेचने भी जाया करते थे और वो एक परिवार के रूप में प्रेम से रहने लगे। महेश्वर बहुत गरीब मजदूर था, सारा दिन मेहनत मजदूरी करता था, तब जाकर उसे 40-50 रुपए मिल पाते थे। एक दिन उसकी पत्नी कमला बोली, तुम क्यों नहीं समझते, ये भगवान गणेश हमारी नहीं सुनते, अभी भी अपनी गरीबी की हालत में ये नहीं जान पाए। कमला दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर मैं भगवान गणेश की पूजा और ध्यान करना नहीं बंद करूंगा। भगवान गणेश की पूजा और अर्चना से मन को शांति प्राप्त होती है, मैं अपनी आस्था को कभी नहीं टूटने दूंगा। महेश्वर भगवान गणेश को बहुत मानता था, गणेश जी पर उसकी बहुत आस्था थी। एक शाम, अब बताओ क्या खाने को बनाओ, पिछले 3 दिन से तुम्हें कोई काम नहीं मिला, 2 दिन एक ही सब्जी से काम चला लिया, अब क्या खाएंगे? कमला मैं कल सुबह कोशिश करता हूँ कहीं मजदूरी का काम मिल जाए, मुझे जरा सा सत्तू घोल कर दे दे, मैं वही पीकर सो जाऊंगा। महेश्वर भगवान गणेश का ध्यान करके सो जाता है। रात को सपने में, महेश्वर तुम मेरी बहुत भक्ति करते हो, मैं 10 दिन के लिए तुम्हारे घर मेहमान बनकर आना चाहता हूँ, तुम मेरी मूर्ति को इस गणेश चतुर्थी पर अपने घर में रखकर 10वें दिन मेरा विसर्जन करना, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, तुम्हारे सारे विघ्न मैं हर लूंगा। अगले दिन महेश्वर सोकर उठा और रात के सपने के बारे में सोचता रहा। तभी कमला ने उससे पूछा, क्या हुआ जी, तुम इतनी चिंता में क्यों हो? कमला, कल रात सपने में गणपति महाराज ने मुझे कहा है कि मैं आने वाली गणेश चतुर्थी के लिए उनकी घर में स्थापना करके सेवा भाव से पूजा करूं तो हमारे गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। तुम भी ना सपनों की बातों पर विश्वास कर लेते हो, कहाँ से लाओगे पैसे, गणेश प्रतिमा रख तो लोगे, पूजन प्रसाद सब कुछ भी तो चाहिए। देख कमला, मेरे गजानन की आज्ञा को मैं नहीं टालूंगा, वो अपने आप मेरी इस कार्य में सहायता करेंगे। ये कहकर महेश्वर घर से काम की तलाश में निकल गया। उसने एक दो जगह ठेली पर माल ले जाने का काम किया, जिसके बदले में उसे 100 रुपए जुड़ गए। शाम घेर आई थी, महेश्वर अपने घर की ओर चल पड़ा। हे गणेशा, आपका बहुत धन्यवाद, अब मैं कल आपकी प्रतिमा स्थापित करूंगा। अरे ये बच्चा जख्मी अवस्था में कैसे, क्या हुआ बेटा? बाबा
अचानक ठोकर लगी और गड्ढे में पैर आ गया। पर बेटा तुम अकेले, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? बाबा मेरा इस दुनिया में सिर्फ भगवान है और कोई नहीं। रुको बेटा, मेरे कंधे के सहारे से उठो और मेरे साथ चलो। महेश्वर उस जख्मी लड़के को घर ले आता है। अजी ये लड़का कौन है और इस जख्मी हालत में? सड़क पर गिर गया था, पैर में चोट आई है, तू गर्म पानी और हल्दी का लेप ले आ। महेश्वर लड़के के पैर में पट्टी बांध देता है। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। नहीं बेटा, अभी तुम्हारी चोट कच्ची है, कुछ दिन यहीं आराम करो। सुनो जी, हम दोनों खुद रूखी सूखी खाते हैं, इसे क्या खिलाएंगे? बेचारा बिना माँ बाप का बच्चा है, कुछ दिन की तो बात है, कर लेंगे गुजारा। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम विनायक है। बड़ा सुंदर नाम है बेटा, ये लो बेटा ये रोटी खा लो और आराम करो। ये देख कमला अपने हिस्से की आधी रोटी महेश्वर को दे देती है। अब आपने तो अपने हिस्से की रोटी विनायक को दे दी, फिर भला मैं आपको कैसे भूखा रहने देती। अगले दिन महेश्वर गणेश चतुर्थी महोत्सव के लिए गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित करता है। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। विनायक बेटा ये लो गणपति बप्पा का प्रसाद मोदक। बाबा बाबा मोदक, ये तो मुझे बहुत पसंद है। महेश्वर अब रोजाना मजदूरी की तलाश में जाता और कोई न कोई काम उसे मिल जाता, जिन पैसों से वो गणपति पूजन के लिए प्रसाद और भोजन का सामान खरीदता। धीरे धीरे 9 दिन बीत गए। अगले दिन विसर्जन था, विनायक भी अब ठीक हो गया था। बाबा आपके लिए मैं अनजान लड़का था, फिर भी आपने मेरा कितना ध्यान रखा। देखना भगवान गणेश आपकी सारी विपदा दूर कर देंगे, क्या अब मैं चलूं? विनायक बेटा कल गणपति विसर्जन करके फिर चले जाना, तुमने भी तो हमारे साथ मिलकर गजानन की पूजा की है। ठीक है बाबा, मैं कल चला जाऊंगा। अगले दिन अपनी श्रद्धानुसार महेश्वर और कमला गणेश विसर्जन की तैयारी करते हैं। कमला अरे आओ। विनायक बेटा तुम भी चलो, गणपति विसर्जन के लिए चलते हैं। विनायक बेटा मेरा हाथ पकड़ लो, वहाँ भीड़ होगी। सब लोग गणपति बप्पा मोरिया बोलते हुए विसर्जन कर रहे थे। माँ मैं बाबा के पास जाकर आता हूँ। विनायक भीड़ है बेटा आगे। कमला सब कुछ बड़े अच्छे से हो गया, विनायक कहाँ है? सुनो जी विनायक तो आपके पास बोलकर आगे गया था। महेश्वर और कमला विनायक को बहुत ढूंढते हैं पर वो नहीं मिलता। विनायक को याद कर दोनों बहुत दुखी होते हैं और घर लौट आते हैं। सुनो जी विनायक कहाँ गया होगा, मुझे उससे बहुत लगाव हो गया था, बिल्कुल मेरे बेटे जैसा था वो, मेरी खुद की कोई औलाद नहीं है, मुझे उससे बेटे की तरह स्नेह मिलता था। कमला उसके जाने का दुख मुझे भी है, वो तो मानो बस 10 दिन का मेहमान बनकर आया और आज चला गया। वो कल ही मुझे बोल रहा था उसे आज वापस जाना है, शायद तभी चला गया होगा। कमला पूजा स्थल के फूल और सामग्री बटोरने लगती है तभी। ये कैसी पोटली है, वो भी भगवान गणेश की प्रतिमा जिस स्थान पर थी वहाँ? क्या हुआ कमला, तुम्हारे हाथ में ये पोटली कैसी? ये पोटली तो एक बार मैंने विनायक के हाथ में देखी थी, वो कई बार अपने प्रसाद का मोदक इस पोटली में रख देता था। कमला इसमें तो सोने के मोदक है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसी अद्भुत लीला है गणपति भगवान की। महेश्वर और कमला विनायक के लिए सोच में पड़ जाते हैं। उसी रात भगवान गणेश फिर महेश्वर के सपने में आते हैं। महेश्वर तुमने 10 दिन तक मेरी बहुत सेवा की, मेरा ध्यान रखा, तुम साफ मन के इंसान हो, अब तुम्हें और कमला को बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, विनायक मेरा ही स्वरूप था इसलिए मैं 10 दिन तुम्हारे पास रुककर वापस लौट गया। महेश्वर का सपना टूटता है, वो कमला को सारी बात बताता है और उसे भी अब भगवान गणेश में सच्ची आस्था हो गई थी। गणपति भगवान की कृपा से महेश्वर की सारी गरीबी और परेशानियां दूर हो गई थी और कमला 9 माह के पश्चात वो एक सुंदर बालक को जन्म देती है। महेश्वर और कमला उसका नाम विनायक रखते हैं, मानो जैसे गरीब के घर आए गणेश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।